कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी वेव्स एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, जो कि मध्य प्रदेश में आर्ट और कल्चर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको हम एक लोकेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस जिले में ये मेले आयोजित किए जाते हैं। इस वीडियो को देखने के आपके दो दो उद्देश्य हो सकते हैं कम से कम। जैसे पहला तो ये कि आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो तो आपको इसकी संस्कृति के बारे में पता होनी चाहिए कि कितने धर्मों में कितने जो मेले लगते हैं, जो फेमस मेले हैं, उसके बारे में पता होने चाहिए। और दूसरा ये कि यदि आप मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो आपको इन मेलों के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि कम से कम एक प्रश्न तो यहाँ से कन्फर्म आता ही है। और जैसे यदि मैं बात करूँ एमपीपीएससी एग्जाम में जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसमें कम से कम एक प्रश्न तो कन्फर्म रहता ही है कि यहाँ से आए। और अन्य एग्जाम जैसे एमपी पुलिस और संविदा शिक्षक की भर्ती या अन्य जितने भी व्यापन संबंधित एग्जाम हैं, आप यहाँ से कम एक प्रश्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल पर अपलोड हो रही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब तक ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न उइके। मध्य प्रदेश का एक बहुत ही फेमस मेला जिसे हम सिंहस्थ कहते हैं, ये कुंभ का मेला होता है। ये लगता है उज्जैन में, और मध्य प्रदेश में उज्जैन ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। और विशेष ग्रह स्थितियों के अनुसार यह मेला लगता है, और ये विशेष ग्रह स्थिति 12 वर्ष में एक बार आती है, ठीक है, 12 वर्ष में एक बार आती है। और ये सिंहस्थ का मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है, ये यदि ये प्रश्न आए तो ये है 12 वर्ष। और यदि ये प्रश्न आए कि कुंभ का मेला कितने वर्षों में लगता है, क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ रहा है, कुंभ का मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है, तो ये लगता है 3 वर्षों में, 3 वर्षों में एक बार लगता है। और यदि ये पूछा जाए कि एक ही स्थान पे, या फिर जैसे उज्जैन में भी लगा था 2016 में, अगला कब लगेगा, तो अगला लगेगा 12 वर्षों बाद। और इनका जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो इस प्रकार है। पहले लगता है ये हरिद्वार में, चार जगह लगता है हरिद्वार में, दूसरा है प्रयाग में, तीसरा है नासिक, और चौथा है उज्जैन में, जो कि 2016 में अभी लगा था रिसेंटली। तो ये इनका सीक्वेंस है। और इसके बाद हम इनकी जो किस नदी के पास ये लगता है ये हम जान लेते हैं। ये लगता है गंगा, गंगा नदी के पास। और ये प्रयाग में है, प्रयाग में तीन नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। गॉट इट? गंगा, यमुना और सरस्वती। यमुना को जमुना से कंफ्यूज मत करना, ये गलत है। ये जमुना नदी यहाँ पे नहीं है, जमुना नदी है बांग्लादेश में, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जब बांग्लादेश में जाती है तो वहां पे इस नदी को कहते हैं हम जमुना नदी। तो यहाँ पे यदि प्रश्न ये आए कि गंगा, जमुना और सरस्वती, ये प्रश्न में ऑप्शन आए तो ये गलत है। सही आंसर क्या है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और तीसरा है नासिक, नासिक है गोदावरी नदी के पास, गोदावरी नदी के पास। और गोदावरी, तो गोदावरी नदी को गोमती गंगा भी कहा जाता है। और ये है चौथा जो कुंभ का मेला लगता है वो है उज्जैन में, ये है क्षिप्रा नदी के पास, ठीक है, क्षिप्रा नदी के पास ये लगता है। उज्जैन की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश के नक्शे में, ये है इंदौर से, इंदौर के पास में। इसके जो नजदीकी जिले हैं रतलाम और आगरमालवा, शाजापुर। अगला जो मेला है रामलीला का मेला, ये लगता है ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील में, और 100 वर्षों से अधिक समय से ये चला आ रहा है। जनवरी फरवरी माह में लगता है, ग्वालियर आप लोकेशन में देख सकते हैं, ये है चंबल संभाग से सटा हुआ है ये। अगला है पीर बुधन जी का मेला, पीर बुधन जी का मेला शिवपुरी के सांवरा क्षेत्र में 250 सालों से लगते आ रहा है यह मेला। और मुस्लिम संत पीर बुधन जी का यहाँ पे मकबरा है, और अगस्त सितंबर में यह मेला लगता है शिवपुरी, आप देख सकते हैं लोकेशन में, ये है श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, इसके पड़ोसी जिले हैं। नागा जी का मेला, अकबर कालीन संत नागा जी की स्मृति में यह मेला लगता है, और मुरैना जिले के पोरसा गांव में 1 माह तक ये चलता है। मुरैना जिला आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है, ये चंबल संभाग में ये मुरैना जिला आता है। हीरा भूमिया का मेला, हीरामन बाबा का नाम ग्वालियर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध है,
और यह कहा जाता है कि हीरावन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर होता है और कई सौ वर्षों पुराने मेला है और यह अगस्त सितंबर में आयोजित किया जाता है। ग्वालियर की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है ग्वालियर, एक जिला है, ग्वालियर एक संभाग है जो कि इसके पड़ोसी जिले श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी के पास में। तेताजी का मेला। तेताजी एक सच्चे इंसान थे। कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जो शरीर से सांप का जहर उतार देती थी और गुना जिले के भामावड़, में पिछले 70 वर्षों से यह मेला लगते आ रहा है और तेताजी की जयंती पर यह मेला आयोजित होता है। निमाड़ के जिलों में भी इस मेले का आयोजन किया जाता है। गुना गुना जिला आप देख सकते हैं लोकेशन में, ये है अशोकनगर, इसके अशोकनगर, विदिशा और राजगढ़ इसके पड़ोसी जिले हैं। जागेश्वरी देवी का मेला। हजारों सालों से अशोकनगर जिले के चंदेरी नामक स्थान में यह मेला मेला लगता आ रहा है और कहा जाता है कि चंदेरी के शासक जागेश्वरी देवी के भक्त थे और वे जो शासक हैं वे थे कोढ़ रोग से पीड़ित और वे यहाँ मंदिर में गए, वे पूजा अर्चना की और जब ये ठीक हुए जिस दिन, उस दिन से यहाँ पे मेला लगना शुरू हो गया। और अशोकनगर आप देख सकते हैं लोकेशन में, ये है गुना जिले के पास में, शिवपुरी के पास में, विदिशा के पास में, ये इसके पड़ोसी जिले हैं। अगला है महामृत्युंजय का मेला। महामृत्युंजना का मेला रीवा जिले में महामृत्युंजय का मेला लगता है और यहाँ पे महामृत्युंजय का जो मंदिर वो स्थित है। बसंत पंचमी और शिवरात्रि को ये मेला लगता है। रीवा आप देख सकते हैं मैप में, ये है पूर्वी क्षेत्र में है और इसके पड़ोसी जिले हैं सतना, सीधी और ये है शहडोल, आप कह सकते हैं। हालांकि ये इसकी बॉर्डर से टच नहीं कर रहे हैं पर इसके पड़ोसी जिलों में इनकी गिनती आती है। अमरकंटक का शिवरात्रि मेला। अमरकंटक शहडोल जिले के अमरकंटक नामक स्थान, ये वही स्थान जहाँ पे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ पे ये मेला लगता है। वर्षों से चला आ रहा है यह मेला, शिवरात्रि को लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं शहडोल की लोकेशन, ये है मैप में, इसके पड़ोसी जिले है उमरिया, सतना, सीधी। चंडी देवी का मेला। सीधी जिले के धीधरा नामक स्थान पर चंडी देवी को सरस्वती का अवतार माना जाता है और यह मार्च अप्रैल में यह मेला लगता है। सीधी जिला की लोकेशन ये है और ये रीवा, सिंगरौली, शहडोल और सतना इसके पड़ोसी जिले हैं। कान्हा बाबा का मेला। होशंगाबाद जिले के शुडलपुर नामक गांव में कान्हा बाबा की समाधि पर यह मेला लगता है। होशंगाबाद जिला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इसकी लोकेशन, ये है इसके पड़ोसी जिले हैं रायसेन, सीहोर, नरसिंहपुर, हरदा, बैतूल और छिंदवाड़ा। कालू जी महाराज का मेला। पश्चिमी निमाड़ के पिपलिया खुर्द में 1 महीने तक यह मेला लगता है। यहाँ पे पश्चिमी निमाड़ का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, इसको बोलते हैं निमाड़, निमाड़ बोलते हैं, और पश्चिमी निमाड़ किसे कहते हैं, खरगोन को। यह है पश्चिमी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ से तात्पर्य है खरगोन। तो खरगोन में यह मेला लगता है, कालू जी महाराज का मेला। यह कहा जाता है कि 200 वर्षों पूर्व कालू जी महाराज यहाँ पर अपनी शक्ति से आदमी और जानवरों की बीमारियां ठीक करते थे। धमोनी का और सागर जिले के धमोनी नामक स्थान पे बाबा मस्तान अली शाह की मजार पर अप्रैल मई में यह उर्स का मेला लगता है। सागर आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन में, यह है सागर। सागर के पड़ोसी जिले हैं विदिशा, रायसेन, दमोह, छतरपुर, अशोकनगर। अगला है शहाबुद्दीन औलिया का उर्स। नीमच जिले पर फरवरी माह में आयोजित ये किया जाता है और यह सिर्फ 4 दिनों तक चलता है। यहाँ बाबा शहाबुद्दीन की मजार है और नीमच जिला आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी लोकेशन ये है, ये मंदसौर इसका पड़ोसी जिला है। मठ घोघरा का मेला, ये लगता है सिवनी जिले के मोरनथन नामक स्थान पे। सिवनी जिले के मोरनथन नामक स्थान पे शिवरात्रि को 15 दिवसीय मेला ये लगता है और यहाँ पर प्राकृतिक झील और गुफा भी है। शिवनी आप लोकेशन में देख सकते हैं, ये है शिवनी और इसके पड़ोसी जिले हैं छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, जबलपुर और नरसिंहपुर।
सिंगाजी का मेला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेला है। 2015 के प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, सिंगाजी का मेला कहाँ पे लगता है। सिंगाजी का मेला लगता है पश्चिमी निमाड़ के पिपलिया गांव में, ठीक है। और सिंगाजी एक महान संत थे। अगस्त सितंबर में एक सप्ताह तक यह मेला चलता है। अगस्त सितंबर में लगता है, एक सप्ताह तक यह मेला चलता है पश्चिमी निमाड़, जैसे कि हम बात कर चुके हैं खरगोन, खरगोन में यह मेला लगता है। बरमान का मेला, बरमान नरसिंहपुर जिले में बहुत ही सुप्रसिद्ध ब्रह्मांड घाट है, ये ब्रह्मांड घाट है। और यहाँ पे मकर संक्रांति पर 13 दिवसीय मेला यहाँ पे लगता है। ये नरसिंहपुर जिला है और यहाँ पे बरमान, बरमान नामक जगह पे, यहाँ पे नर्मदा, नर्मदा नदी के पास यहाँ पे ये मेला लगता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल पर अपलोड हो रही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। और नरसिंहपुर की लोकेशन है ये, इसके जो पड़ोसी जिले हैं सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।